सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमा, हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमात में समाजी फासले का ख्याल रखा गया। यूरोप, अमरीका, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी ईद सादगी से मनाई जा रही है। लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ईद कुर्बान से एक दिन पहले मवेशी मंडियों में लोगों का रश। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। किसी ने जानवर खरीद लिए तो कोई जानवरों के दाम कम होने का इंतजार करने लगा। लोग तो ईद पर नित नए कपड़े और जूते पहनकर तैयार होते हैं, मगर कुर्बानी के जानवरों को ईद से पहले खूबसूरत दिखने के लिए बनाव सिंगार किया जाता है। ईद से पहले जानवरों की सजावट का सामान बेचने वालों की ईद होती है। कोरोना के बाद होने वाले लॉकडाउन ने इन लोगों के कारोबार को शदीद झटका पहुँचा दिया। इन अफराद का कहना है कि लॉकडाउन और मुआशी बदहाली के बायस लोग जानवर की सजावट का सामान खरीदने से कासिर हैं। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,74,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,76,000 से तजावज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,55,285, ब्राज़ील में 91,370, बरतानिया में 45,999, मैक्सिको में 46,000, भारत में 35,786, ईरान में 16,569 और रूस में 13,802 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 27 अमवात। मरने वालों की कुल तादाद 5,951 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद 2,78,305 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,20,550 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 92,873, खैबर पख्तूनख्वा में 33,958, इस्लामाबाद में 15,014, बलूचिस्तान में 11,732, गिलगित बल्तिस्तान में 2,105 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,073 हो गई। कोरोना एसओपीस के पेश नज़र मलिका कोहसार मरी में ईद उल अज़हा पर सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। मकामी लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर मरी जाने की इजाज़त होगी। डीएसपी ट्रैफिक तारिक जावेद कहते हैं सयाहों के दाखिले पर पाबंदी के पेश नज़र इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम दाखिली और अंदरूनी रास्तों पर 2 DSPs, 12 इंस्पेक्टर्स और 150 ट्रैफिक वार्डन तैनात हैं। इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा पर कोरोना वायरस में फैलाव के खतरात के पेश नज़र तमाम मज़ारात, कब्रिस्तान और तफरी गाहें बंद, नोटिफिकेशन जारी। ज़िला इंतज़ामिया को ईद के दिनों में मखसूस इकदाम की हिदायत जारी। पाबंदी का इतलाक शुरू हो गया। हुकूमत का 5 अगस्त को कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम इस्तेहसान मनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ने कश्मीरियों का झंडा छीनकर उनका तशख़्ुस मिटाने की कोशिश की। मोदी सरकार ने कश्मीर के 3 टुकड़े करने की कोशिश की। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों का लहू शामिल है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। आलमी बरादरी भारतीय बर्बरियत का नोटिस दे।
सेनेट में इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट तरमीमी बिल शिकवार मंजूर। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल तरमीमी बिल 2020 में मंजूर कर लिया गया। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी दोनों बिल्स पास। मुशीर पार्लियामानी उमूर बाबर आवान ने बिल ऐवानों में पेश किए। मुल्क की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। ऑपोजिशन ने शुरू से ही रुकावट डालने की कोशिश की। कौमी मफाद में होने वाली कानून साजी में ऑपोजिशन को हिमायत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन ने मुल्की मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह ना दी तो बेनकाब होंगे। FATF से मुतालिक कानून साजी मुल्क के लिए ज़रूरी है। दोनों बिल्स की मुतफिका तौर पर मंजूरी हुई। सेनेट ने साबित कर दिया कि ये मैच्योर और संजीदा ऐवान है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान ग्रे से वाइट लिस्ट में आ जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल। ये हो क्या रहा है? वजीर खारजा जो हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, वो जो लड़कियां गई हैं, लेकिन एक्शन ना लेने की वजह ये है कि ये उनकी मर्जी से गई थी वहां पे। तहरीक इंसाफ ने एहतसाब नहीं करना, क्योंकि जहां करप्शन की लूटमार हुई वहां एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया। जो बात करने वाली होती है हुकूमत उस पर खामोशी इख्तियार करती है। हम मालम जब्बा समेत हर चीज का हिसाब लेंगे। मुशाहिदुल्ला खान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले दो टिकटॉक स्टार्स वजीर आजम और वजीर खारिजा की कुर्सी पर बैठी नजर आती हैं। टिकटॉक स्टार्स के वजारत खारिजा में दाखिले पर एक्शन लेना चाहिए था। FATF के नाम पर आमिराना इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। कौमी असम्बली और सेनेट में एतमाद में नहीं लिया गया। अना की वजह से बिल को मुतनाज़े बना दिया गया। स्पीकर ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। ऑपोजिशन को स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले NRO के करके असल NRO को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो कुलभूषण का वकील है। पैनमा केस के बाद इमरान खान पर सियासी केस बनाया गया था, मगर अदालत ने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया। वज़ीरे आज़म और उनकी फैमिली के पास वो असासे नहीं जो बिलावल के पास हैं। बिलावल भुट्टो बताएं सरे महल कैसे खरीदा गया। वफाकी वज़ीरे इत्तला सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद सईद बोले कौम को मुल्की मफाद की कानून साजी की जीत और ज़ाती मफाद की शिकस्त बहुत मुबारक हो। ऑपोजिशन पहले जबानी अब तहरीरी तौर पर NRO+ मांगते रहे। से पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया। PTA इंतजामिया से PUBG गेम कंपनी की कानूनी टीम की मुलाकात। गेमिंग प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए कंपनी की लीगल टीम ने PTA के पूछे गए सवालात पर तफसीली जवाब जमा करवाया। PTA हुकाम ने PUBG इंतजामिया के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार के साथ कंट्रोल मैकेनिज्म और मुसलसल राबितों के निजाम पर जोर दिया। PTA का PUBG के बाद सोशल मीडिया ऐप बीगो भी बहाल करने का फैसला। बीगो इंतजामिया की PTA हुकाम के साथ गैर कानूनी मवाद के सिलसिले में राबिते बढ़ाने पर जोर। फवाद चौधरी कहते हैं पाबंदी एक इंतहाई इकदाम है, मुस्तकबिल में एहतियात की जरूरत है। पाकिस्तान को टेक कंपनीज के साथ गहरे ताल्लुकात से ही मसाइल हल करने चाहिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों से इख्तियारात छीन रखे हैं। बुनियादी सहूलियात की जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होती है। बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। आवाम की जिंदगी को लाहे खतरात का सिंध हुकूमत को जवाब देना होगा। शहर कायद की तरक्की के लिए PTI हर मुमकिन इकदाम करेगी।
वज़ीरे इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची सफाई में नाकामी पर इस्तीफा मांगने वाले पहले वज़ीरे आज़म और फिर मेयर वसीम अख्तर से इस्तीफा लें। नालों की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया। वज़ीरे आज़म ने 162 अरब देने का वादा किया था। NTM में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहे तो एतराज़ नहीं। फजलुर रहमान के भाई को वफाकी हुकूमत ने सिंध भेजा था। और 10 बरस तक आलमी नंबर वन रहने वाले स्क्वाश प्लेयर जान शेर खान मफलूज होने से बच गए। जान शेर खान कमर के 2 ऑपरेशन के बाद रूबसेहत। कौमी स्क्वाश प्लेयर के शिफा नेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ऑपरेशन हुए। जान शेर खान जवानी से ही कमर की तकलीफ में मुब्तला थे। डॉक्टर्स के मुताबिक जान शेर खान की तकलीफ को फौरी कम ना किया जाता तो उनके मासूर होने का खदशा था।